हमारा कॉलोनियल हैंगओवर इतना ज्यादा स्ट्रांग है भाई साहब कि आज भी अगर हम कोई बात अंग्रेजी में सुन लेते हमें अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़िया लगने लग जाती है। अब मतलब खुद सोचो लव स्टोरीज कितना एग्जॉटिक और कितना इंटेलेक्चुअली स्टिम्युलेटिंग लग रहा है। ये इस फिल्म का नाम होता मधुर कथाएं या फिर गंदी बात, तो तुम बिल्कुल वैसा मुंह बनाते जैसे सेलेक्टर्स बनाते सरफराज खान को देखकर। खैर नेटफ्लिक्स का साउथ बॉम्बे वर्जन ऑफ गंदी बात कल रिलीज हो गया और अगले 5 पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगा मुझे फिल्म कैसी लगी और क्यों। बिकॉज आई एम जैन एंड यू आर वॉचिंग ट्रूथ स्ट्रेंजर देन फिक्शन। कल्पना से भी अद्भुत होता है सत्य। अब मैं रोहित शर्मा की कप्तानी में विश्वास रखूं या ना रखूं इस बात के ऊपर मैं 100% विश्वास रखता हूं, क्योंकि भाई साहब दूसरे के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है इसका अंदाजा आप फिर भी लगा सकते हो, लेकिन उसके पजामे के अंदर क्या चल रहा है इसका अंदाजा लगाना भाई साहब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब मुझे क्या पता भाई साहब कि मेरा पड़ोसी एक्स हैमस्टर पे सिजरिंग देख रहा है या फिर विलेज कांड 3GP। नाड़ा खुला दिमाग बंद। इन दैट कॉन्टेक्स्ट लव स्टोरी अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। टू एक्सप्लोर द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल्स रिलेशनशिप विद हिज और हर लस्ट इज एक्चुअली अ वेरी वेरी बिग आइडिया। बट नेटफ्लिक्स ने इसके साथ क्या करा है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 यानी कि द प्लॉट ऑफ द फिल्म। फिल्म का सेटअप ऐसा है कि एक 2 घंटे की फिल्म के अंदर 4 छोटी-छोटी फिल्में, ठीक वैसे ऐसे ऑनलाइन डिलीवरी में एक डिब्बे के अंदर छोटे छोटे डिब्बे रख के दिए गए होते हैं एनवायरमेंट को बचाने के लिए। सबसे पहले आती है आर बाल्की की फिल्म, जो मुझे लगता है लिखी है क्रिकेट टीम के सेलेक्टर्स ने, बिकॉज उस फिल्म के अंदर कोई सेंस कोई लॉजिक है ये नहीं। एक बूढ़ी दादी नीना गुप्ता, उनकी पोते मृणाल ठाकुर के लिए रिश्ता आया और वो आते सबके सामने पूछ लेती, हाँ भाई ली, देखा मुंह बन गया ना तुम सबका, यही मैं बोल रहा था। यही अगर मैं बोल देता कि भाई साहब द दादी आस्क देम हैव यू गाइस डन इट, तो ऐसा सुअर जैसा मुंह ना बनता तुम लोगों का। खैर मूविंग ऑन, शादी की मीटिंग वाले दिन ही दादी सबके सामने पूछ लेते हैं कि भाई साहब यू शुड चेक ईच अदर्स सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी बिफोर डिसाइडिंग टू गेट मैरिड, तो थोड़ा जाओ स्लीप अराउंड एंड देन डिसाइड व्हेदर यू वांट टू गेट मैरिड और नॉट। अरे एक बार बोल के छोड़ देती तो फिर भी बात अलग थी, भाई साहब डेली मृणाल ठाकुर को बैठ के डिटेलें पूछती है उनसे, हाँ भाई कैसे हुआ ऑर्गेजम आया कि नहीं है। और जब दोनों बैठ के दादी को कन्विंस कर देते हैं कि दादी हम दोनों के ऑर्गेजम हो रहे हैं, तब जाकर भाई साहब दादी हरी झंडी देती है शादी के लिए। मैंने कहा कौन सी दादी है जो शादी से पहले प्री मैरिटल सेक्स की जिद कर रही है, भाई हमारे यहाँ दादी बहुत से जिद करती भी है तो वो करती है आइसक्रीम की। एंड आई फेल दिस इज ऑल्सो क्रिंज बिकॉज समबडी लाइक आर बाल्की डिसाइडेड टू क्रिएट अ सेंसेशनल कैरेक्टर परहैप्स टू ओनली टिटिलेट द इंडियन ऑडियंसेस। द स्टोरी इज नॉट अबाउट लस्ट एट ऑल और इतना दूर है इंडियन स्पेक्ट्रम से कि भाई साहब पूरे समय एक अब्सर्ड सी शक्ल लेके बैठे रहोगे एक दूसरे को देखते रहोगे ये चल क्या रहा है। ना फिल्म रेवोल्यूशनरी है ना कोई अनकंफर्टेबल ट्रूथ की बात करती, बस अपने आप में एक अब्सर्ड सी चीज बना दी जिसको देख के काफी ज्यादा क्रिंज लगा। स्पेशली द सीन्स जहां पर नीना गुप्ता और मृणाल ठाकुर बैठ के अपने अपने ऑर्गेज्म डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड फिल्म इज कोंकणास फिल्म एंड इन माय ओपिनियन द बेस्ट फिल्म ऑफ दिस सीरीज। तिलोत्तमा शो में एक दिन काम से वापस आती हैं और देखती हैं कि उनके ही बिस्तर पर उनकी मेड लगी हुई धक्कम पेली कर रही हैं और वो भी ऐसे नहीं कि बहुत डिस्क्रीटली सेक्स कर रही हो, भाई साहब फुल ऑन जियो खिलाड़ी चल रहा है भाई साहब, देख घुमा के देख घुमा के। एंड इंस्टेड ऑफ कन्फ्रंटिंग हर शी स्टार्ट्स वॉचिंग देम एंड दिस बिकम्स हर डेली रूटीन एंड हर ऑब्सेशन। उनका वॉयरिज्म कैसे कैसे नए नए शेप लेता है और उनकी कैसे रिलेशनशिप डेवलप होती है उनके लस्ट के साथ, ये काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी आगे चल के बन जाती है। एक अच्छा नैरेटिव बनता है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट बनता है और यही बात मुझे इस फिल्म की सबसे अच्छी लगी। बाकी फिल्मों में तो क्या भाई साहब कोई भी स्टोरी लाके बना दी उन्होंने कहा अच्छी कहानी का हम क्या करें, जाओ सोनी लिप को दिखा कर आओ। तीसरी फिल्म थी सुजॉय घोष की विच हैड विजय वर्मा एंड तमन्ना भाटी और उस फिल्म को देख के तो मैं बोल रहा हूं भाई साहब इस स्टोरी में लस्ट कहां है, मतलब एक सीन 14 पट्टी का डाल दिया इसका ये मतलब थोड़ी लव स्टोरी हो गई। इस हिसाब से तो भाई साहब टाइटैनिक बहुत बड़ी लव स्टोरी थी क्योंकि नंगे सीन तो उसके अंदर भी थे। विजय वर्मा का एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है, उसके बाद वो जाते तमन्ना भाटिया से मिलते हैं, वहां से आगे कहानी क्या निकलती है वो आपको देखने वाला होगा, लेकिन एंड में आप भी मेरी तरह बैठ के सोचेंगे अबे इसमें लस्ट कहाँ है और क्या कहाँ कहाँ से कहानी अप्रूव हो रही है, मेरे को कोई आइडिया नहीं इस चीज़ का। द फिल्म वॉज वेरी वेरी प्रेडिक्टेबल, यू कुड सी वॉट इज हैपनिंग अ माइल अवे और 2-3 क्लीवेज शॉट्स के अलावा इस फिल्म के अंदर देखने वाला कुछ भी नहीं था। एंड में आती है काजोल और कुमुद मिश्रा की स्टारर फिल्म विच वॉज डायरेक्टेड बाय अमित शर्मा। कुमुद मिश्रा एक अब्यूजिव एक्स किंग है जिनकी लाइफ का एक ही मोटिव है किसी तरह संभोग करने को मिल जाए, कंसेंट और नो कंसेंट। भाई साहब किसी लड़की को जंगल में पकड़ लिया और इनकी ऐसी हरकतों से उनकी बीवी काजोल ही परेशान है क्योंकि भाई साहब नींद से उठा उठाकर उसके साथ धक्कम पेली कर रहे हैं। अबे नींद से उठाए कोई मुझे मैगी खिला मैं वो ना खाऊं, सेक्स तो दूर की बात है भाई, नींद अपनी जगह है ठहराक अपनी जगह है। खैर इसी कहानी में एक और प्लॉट ट्विस्ट आता है और वो काफी जबरदस्त है तो वो भी आपको काफी ज्यादा एंजॉय करने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी आप यही पूछेंगे भाई साहब ये लस्ट स्टोरी कैसे है, हाउ इज दिस अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स लस्ट।
लेकिन ओवरऑल ये चौथी फिल्म भी मुझे ठीक ठाक लगी। बात करते हैं पॉइंट नंबर टू की, अबाउट द परफॉर्मेंसेज ऑफ द फिल्म। फिल्म में जितनी भी फिल्म है सब में परफॉर्मेंसेज काफी ज्यादा अच्छी लगी हैं। खासकर आपको तिलोत्तमा शो में की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगेगी, और कोंकणा की फिल्म में जितने भी एक्टर्स आए उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। कुमुद मिश्रा इज वेरी इंप्रेसिव, काजोल इज अ बिट ऑफ अ हिट एंड मिस, विजय वर्मा तमन्ना भाटिया ने भी अपने रोल ठीक ठाक कर लिए हैं। द इंटायर फिल्म जहां पर आपको लगेगा कि भाई साहब ये क्या हो रहा है स्क्रीन पर, वो आर बालकी की फिल्म है। ना नीना गुप्ता अच्छी लगी है, ना मृणाल ठाकुर अच्छी लगी, ना अंगद बेदी उसके अंदर अच्छे लगे। पूरी फिल्म आप जो देख लोगे बोलोगे भाई क्या ही चल रहा है, मतलब उसको छोड़ के बाकी परफॉर्मेंसेस काफी डिसेंट है इस फिल्म के अंदर। पॉइंट नंबर थ्री इज कि भैया कहना क्या चाहते हो फिल्म के जरिए। लस्ट स्टोरीज वन में एटलीस्ट द फिल्म्स वर अबाउट द एक्सपीरियंसेस विद देयर लस्ट एंड देयर सेक्सुअलिटी। सिर्फ एक फिल्म इस सीरीज में इस टॉपिक पर है, बाकी ने अपने मन की कहानी सुनाई है कि भाड़ की भट्टी में गई तुम्हारी थीम, मैं तो यही सुनाऊंगा, लेना है लो वरना जाओ। कोई थ्रिलर बना रहा है, कोई क्राइम बना रहा है, कोई रिवेंज बना रहा है, मतलब क्या हो रहा है भाई साहब, यहाँ पर कुछ भी चल रहा है। पॉइंट नंबर फोर, कौन का नाम, वन ऑफ द मोस्ट अंडर रेटेड डायरेक्टर्स ऑफ दिस इंडस्ट्री मुझे लगता है वो कौन का ना है। आई थिंक बॉलीवुड डिजर्व टू सी हर वर्क मोर ऑफन देन नॉट, बिकॉज एक एक सीन उनकी फिल्म का मुझे बहुत ही अच्छा लगा। काश उनको और भी थोड़ा सा काम वो करें और अपनी अपनी कहानियों को लेकर और ज्यादा आगे आए, बिकॉज बॉलीवुड बैडली नीड्स गुड डायरेक्टर्स लाइक हर। पॉइंट नंबर फाइव ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चार कहानियां बता बता के मैं थक गया हूं, मेरे पास कोई पॉइंट फाइव नहीं है। आपको देखना है लव स्टोरी सरल मिटाने के लिए तो आप देख लीजिए, लेकिन ओवरऑल आपका वो भी पर्पस सॉल्व नहीं हुआ इस फिल्म के अंदर से, उससे बड़े जाके गंदी बात इधर उधर से कुछ देख लें। फिलहाल यही था, मैं इस फिल्म को देना चाहता हूँ 1.5 star out of 5, क्योंकि एक ही कहानी इस फिल्म के अंदर बढ़िया लगी मेरे को। बाकी सी यू, टाटा बाय बाय, सब्सक्राइब टू माई चैनल, सब्सक्राइब टू माई व्लॉग्स। मैं तो बोल बोल के थक जाता हूँ, तो मैं करना करो नहीं करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें।